अपने शैम्पू रूटीन को एक ट्विस्ट दें। डबल क्लेंजिंग आपके स्कैल्प के लिए। शुरू करें इफेक्टिव ऑयल क्लेंजर के साथ, जो आप बना सकते हैं घर पर बैठे। एप्पल साइडर विनेगर के कुछ टीस्पून ऐड करें, 3-4 बूंद पेपरमिंट ऑयल और नारियल के तेल के साथ। अपने स्कैल्प को इस DIY क्लेंजर के साथ थोड़ी देर तक अच्छे से मसाज करें। अपने नॉर्मल शैम्पू को असरदार और क्लैरिफाइंग बनाएं, उसमें टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें ऐड करके। ऑयल को अच्छे से धो लें और आपको बहुत फ्रेश फील होगा। स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन केवल आपके चेहरे या बॉडी के लिए नहीं है। अपने स्कैल्प पर हो रहे डेड स्किन बिल्डअप को हटाएं इस आसान DIY स्क्रब से। आपको बस जरूरत है आपके रेगुलर शैम्पू और अपने पसंद का एक्सफोलिएंट की। हम कॉफी ले रहे हैं, पर आप ओट्स, सी सॉल्ट या चीनी भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सफोलिएंट आपके डेड स्किन बिल्डअप को हटाने के अलावा आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा और शैम्पू आपके बालों को क्लेंज करेगा। अपने स्कैल्प को प्यार दें इस क्लेंजिंग और हाइड्रेटिंग मास्क के साथ, जिसमें है सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर लें और इसे एक मूसी मास्क में मिक्स कर लें। मुल्तानी मिट्टी एक ऑयल अब्सॉर्बेंट है, रोज वाटर क्लेंज करता है और एलोवेरा आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और ड्राई फ्लेकी स्किन को हटाता है। इसे अपने रूट्स पर लगाएं, शावर कैप लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसे धो लें और इसके बाद शैम्पू ना करें। टोनर आपके पोर्स से एक्सेस ऑयल और डर्ट को हटाता है, तो स्कैल्प पर क्यों काम नहीं करेगा? ग्रीन टी लें, जो इन्फ्लेमेशन और इचीनेस कम करता है, और गुलाब जल लें, जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, और इन दोनों को मिला लें। कॉटन पैड लें इसे सोक करने के लिए और अपने स्कैल्प पर डैब करें जब आपके बाल गीले हों। जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आप उसे ऑयल फ्री और मैट महसूस करेंगे नेक्स्ट वॉश तक। हम आशा करते हैं कि ये आपके काम आए होंगे सबसे साफ स्कैल्प पाने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।